आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अदरक के अचार की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ये हमारी सब्जी और दाल के फ्लेवर को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अदरक को हमने धोकर छील लेना है और इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं और इसे 3 से 4 घंटे के लिए हमने इसे धूप में रख देना है ताकि मॉइस्चर निकल जाए। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें 1 चम्मच धनिया डाल देना है, 1 चम्मच इसमें हमने साबुत जीरा डाल देना है, कलौंजी डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच इसमें हमने सौंफ डाल देनी है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे। इन सभी स्पाइसेस को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो अब इसमें तेल डाल देंगे। मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने 7 से 8 दिन के लिए धूप में रख देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसे हमने डेली शेक करना है। इसे आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, ये 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसे किसी कंटेनर में निकाल लेते हैं। इसे हम 7 से 8 दिन के लिए धूप में रख देंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये सारा फिल करके रख लिया है। इसे आप दाल और सब्जी के साथ सर्व कीजिए। ये हमारी दाल और सब्जी की टेस्ट को इन्हेंस कर देते हैं। अच्छा खाने से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, नॉजिया फीलिंग को रिड्यूस करते हैं, ये कॉमन कोल्ड और कफ के अगेंस्ट फाइट करते हैं, ये पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने की पावर है, ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है और ये जो अल्जाइमर डिजीज़ है उसे भी प्रोटेक्ट करता है और हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।